डॉक्टर अशोक तंवर जी, श्री भूपेंद्र हुडा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी और मंचा सिंह, सुभाष बत्रा जी, लीडर्स ऑफ द समस्त भारतीय पार्टी, जो पूरे देश से जिन जिन राज्यों के अंदर समस्त भारतीय पार्टी सक्रिय रूप से चुनाव लड़ी है, और साथ ही पूरे प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता व समर्थक, साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्रिंट साइड से, इलेक्ट्रॉनिक साइड से और सोशल मीडिया से आए हुए सभी लोगों का आज की सभा में मैं स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय करने का फैसला लिया। आज हम उस फैसले को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। शायद ये मेरा आखिरी वक्तव्य होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त भारतीय पार्टी का, और इसलिए ये बहुत अहमियत भी रखता है। मैं थोड़ा सा समस्त भारतीय पार्टी के बारे में, जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी हो कि समस्त भारतीय पार्टी कैसे बनी और क्यों बनी और किस विचारधारा के साथ बनी। समस्त भारतीय पार्टी एक उस व्यक्ति ने, एक उस परिवार ने गठन किया जो कि विदेश में 1975 से विदेश में रहे, और शायद ये अकेला एनआरआई है जो कि देश में आकर बगैर किसी गॉडफादर के, बगैर किसी राजनीतिक एक्सपीरियंस के और जुनून सिर पे सवार लिए कि जाकर देश की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और अपनी रिटायर्ड लाइफ देश को नहीं देंगे, अपनी एक्टिव लाइफ देश को देंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, और जब चर्चा की, दोस्तों मित्रों के अंदर चर्चा की कि भाई हम जा रहे हैं विदेश, देश जाएंगे और देश जाकर राजनीति करेंगे, देश जाकर देश की सेवा करेंगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। सबने कहा क्यों करना चाहते हो, क्या जरूरत पड़ी है, संपन्न हो, सब कुछ है, फिर क्यों करना चाहते हो। हमने कहा कि हर भारतवासी का गौरव, खासकर एनआरआई का गौरव, भारत के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हमारा देश गौरवशाली नहीं, हम अपने आप को गौरवशाली नहीं कह सकते, और इस देश को गौरवशाली बनाएगा कौन? इस देश को गौरवशाली बनाएगा इस देश के नागरिक, इस देश के लोग, और उसी विचार को लेकर, वो जुनून को लेकर पत्नी भी कहने लगी कि भाई क्यों जा रहे हो, ये अभी तो हमारे सुख के दिन है, क्योंकि पत्नी भी कहने लगी कि मुझे नहीं जाना है राजनीति के अंदर, आपने जाना है तो जाओ। तो हमने कहा कि अगर पत्नी को भी हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो जनता को क्या खाक करेंगे। तो पहले चैलेंज यही हुआ कि पत्नी को कन्विंस करते हैं, और पत्नी को कन्विंस किया कि भी राजनीति में हमें जाना चाहिए, और वो आज हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, शायद मुझसे ज़्यादा सक्रिय हैं, वे किरण जी जानती हैं। आज इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि
समस्त भारतीय जब हम राजनीति में आए, हमारा एमएलए बनना या एमपी बनना हमारा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि अगर हमें एमएलए बनना होता सभा के सदस्य भी बन सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवस्था परिवर्तन सक्रिय रूप से अगर हम बैठते हैं, काम करते हैं, तभी जाकर ये परिवर्तन आ सकता है। और इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी का गठन करने का फैसला लिया, और हमें एक इकाई, अगर हमें परिवर्तन लाना है तो कम से कम एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर सरकार बनाना या सरकार के अंदर हिस्सेदारी लेना यह बहुत जरूरी बात है बदलाव लाने के लिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए समस्त भारतीय पार्टी ने तीन उद्देश्यों के साथ अपना काम शुरू किया कि स्वच्छ राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, और क्लीन पॉलिटिक्स के साथ होगी प्रशासनिक कार्य कुशलता। और अगर प्रशासनिक कार्य कुशलता होती है तो बनती है बात, होता है व्यवस्था परिवर्तन। और इन तीन लोगों के तीन विदेशों की आप चेन देख लीजिए, स्वच्छ राजनीति, प्रशासनिक कार्य कुशलता और व्यवस्था परिवर्तन। और इसको लेकर समस्त भारतीय पार्टी ने अपना गठन किया। और जब हम आए थे, हमने राजनीति के अंदर कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा विचार नहीं था। विचार था कि हम एक प्रेशर ग्रुप को खड़ा करें जिससे कि प्रशासन अपना कार्य सक्रियता से कर सके। और पहले हमने 2002 से लेकर 2008 तक हमने समस्त भारतीय प्रतिष्ठान के रूप में काम किया, एक एनजीओ के रूप में काम किया, और 32,000 लोग बहुत जल्दी ही हमारे सदस्य बन गए। लेकिन जैसे जैसे हमने काम गवर्नमेंट मशीनरी को काम करने के लिए कहा या पॉलिटिकल लीडर्स को काम करने के लिए कहा, हमारा काम नहीं होता था। बाकी सबका काम हो जाता था लेकिन हमारा काम नहीं होता था। और इस सब को सोचते हुए हमें राजनीति में आना पड़ा। 2008 के अंदर समस्त भारतीय पार्टी का गठन हुआ, और 2009 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, और तब से समस्त भारतीय पार्टी ने, मैंने खुद दो चुनाव लोकसभा के लड़े। रोहतक से चुनाव लड़ा 2009 के अंदर, और उसके बाद बाई इलेक्शन लोकसभा का हिसार से लड़ा। और जितने भी नेतागण यहाँ पर हरियाणा के हैं उन सब के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी बातों से लोग सहमत तो होते थे, अच्छी तरह सहमत होते थे। 6,000 पब्लिक मीटिंग मैंने की हैं, 6,000, 250 से लेकर 10,000 लोगों तक। मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया उस समय, भाई बहुत बढ़िया काम किया, सपने ऐसे दिखाए कि हादी कोई नहीं। ऑरेटरी स्किल को इतना यूज किया, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपनी कहीं ना कोई क्षमता होती है, उस क्षमता को सेंटीमेंट के साथ खेलना शुरू किया, और ऐसे खेला गया कि उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, काले धन पे पर बातचीत की गई, राम मंदिर पे बातचीत की गई, 15 लाख की बात की गई, अच्छे दिन की बात की गई।